आपने शेयर्स बेचे और सेम डे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेबी के नए T+0 सेटलमेंट सिस्टम के बारे में। हेलो, यू आर वॉचिंग ईटी नाउ स्वदेश। आई एम रितु शर्मा एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज दिस न्यू T+0 सेटलमेंट सिस्टम। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी विल इंट्रोड्यूस द T+0 सेटलमेंट सिस्टम ऑन एन ऑप्शनल बेसिस बाय March 28th। सेबी चेयरमैन अनाउंस्ड दिस इन्फॉर्मेशन ऑन मार्च 11th ड्यूरिंग अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI। आगे बढ़ने से पहले सेटलमेंट सिस्टम को थोड़ा समझ लेते हैं। सेटलमेंट साइकिल का मतलब ये हुआ कि बायर्स के अकाउंट में शेयर्स का ट्रांसफ़र होना और सेलर्स के अकाउंट में अमाउंट का ट्रांसफ़र होना। अभी फ़िलहाल इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो T+1 सेटलमेंट साइकिल का यूज़ करती है। यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में फ़ंड और सिक्योरिटी जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। लेकिन T+0 सिस्टम लागू होने के बाद क्या होगा, शेयर्स की परचेस और सेल से जुड़े जो अलॉटमेंट हैं वो एक ही दिन के अंदर आपके अकाउंट में कर दिए जाएंगे। अब इसके लागू होने के बाद क्या चेंजेस होंगे? सेबी हैड प्रपोज टू इम्प्लीमेंट द T+0 सेटलमेंट सिस्टम इन टू फेजेस। इन द फर्स्ट फेज ऑफ T+0 सेटलमेंट सेम डे सेटलमेंट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, आफ्टर विच बायर्स विल रिसीव द शेयर अलॉटमेंट्स एंड सेलर्स विल रिसीव फंड्स ऑन द सेम डे। अंडर दिस सिस्टम इफ यू कंडक्ट शेयर ट्रांजेक्शन्स बाय 1:30 PM ऑन अ ट्रेडिंग डे, सेटलमेंट विल अकर बाय 4:30 ऑन द सेम डे। In the second phase, a facility for optional immediate trade-by-trade settlement will be provided for all transactions executed by 3:30 PM. So I hope all your doubts regarding the new T+0 system have been cleared. This is Ritu Sharma signing off. Stay tuned with ET Now Swadesh for more updates. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.